बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेट के इशू की वजह से हमारी क्लास डिसकनेक्ट हो गई थी, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप जो है वो आज की क्लास का लेक्चर रिसीव कर लें। ठीक है, आज कल जो है वो हमने टू एक्सपीडिशंस की रीडिंग की थी। ठीक है, जिसके अंदर हमने फर्स्ट एक्सपीडिशन पढ़ा, तो उसमें थ्री कैरेक्टर्स थे हमारे पास, एन डेनियल्स, कैरोलाइन हैमिल्टन एंड पॉम। ठीक है, एन डेनियल और कैरोलाइन ने अपनी जो है वो टारगेट को अचीव किया था, जबकि पॉम के पैरों में फ्रॉस्ट राइट जैसी छाले हो चुके थे बर्फ़ की वजह से, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, दैट्स वो अपने जो है वो टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जिम शेखदार। वो एक सेकंड एक्सपीडिशन जो हमने पढ़ा था उसमें जिम शेखदार नाम का एक कैरेक्टर था, जिसने जो है वो अकेले ही 9 मंथ्स तक बोटिंग करते हुए उसने जो है वो अपना टारगेट अचीव किया। ठीक है, बहुत सारी उसको भी मुश्किल आई थी फेसिस की, उसने बहुत सारी चीज़ों को, और देन उसने अपना एक नया रिकॉर्ड कायम किया। ठीक है, अच्छा एक्सपीडिशंस की मीनिंग क्या होते हैं? एक्सपीडिशन की मीनिंग होते हैं आप जो है वो किसी तवील सफ़र के लिए निकले हो जो 3, 4, 5 माह का हो। ठीक है, उसके लिए आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर और जो है वो अपना पैक पैक करके और सब कुछ निकल रहे हो, मतलब कि बहुत लंबा सा हो तो आप उसे कहेंगे एक्सपीडिशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने कल आपको कहा था कि आप टाइटल पेज प्रिपेयर कर लीजिएगा इसका, इसके बाद आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स बना लीजिएगा, और देन हमारे पास आती है टर्न एक्स वर्ड्स ई मीनिंग एंड यू मीनिंग के। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड ई मीनिंग यू मीनिंग में क्या है? वर्ड है एक्सपीडिशन, अ लॉन्ग ऑर्गेनाइज्ड जर्नी टू अ फार अवे प्लेस, तवील सफ़र। ठीक है, बम्पी, नॉट फ्लैट और स्मूथ, ना हमवार सतह, एक्सप्लोरर, अ पर्सन हु एक्सप्लोर्स अ न्यू और अनफैमिलियर एरियाज, खोजने वाला, ARES एरियाज। ठीक है, और ये अनफेमिलियर ये एक साथ ही है। ठीक है, अनफेमिलियर, को ट्रैवलर, अ पर्सन हु ट्रेवल्स विथ यू, शरीक सफ़र या मुसाफिर। ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट, डैमेज ऑफ फिंगर्स और टॉस बाय स्नो स्टॉर्म्स, छाले, स्कैप्स, रन अवे, फरार हो जाना, ROWED रोड, प्रोपेल, अबॉर्ड विथ ओर्स, कश्ती चलाना। ठीक है, ये आपके पास वर्ड्स इवनिंग यू मीनिंग थे। ठीक है, जो कि आपको अपनी कॉपी में लिखना है डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बाद। आई होप कि आपको ये वाली स्क्रीन क्लियर होगी और आप उसको आराम से नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। ठीक है, उसके बाद जो आपका होमवर्क है वो है यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड द पैसेज अगेन एंड आंसर द क्वेश्चंस, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ। आपने यहाँ से इसका आंसर फाइंड आउट करके लिखना है। नंबर 1 है हाउ मेनी चिल्ड्रन डस एन हैव, एन के कितने बच्चे थे, आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे, एन एंड डैनियल। ठीक है, हाउ डिड एन ड्रिंक हर फैमिली, एन ने अपनी फैमिली को कैसे कॉन्टेक्ट किया, ये भी आप जो है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी मैन वॉक विद एन एंड कैरोलाइन टू द नॉर्थ पोल, एन और कैरोलाइन के साथ कितने मर्द हजरात थे जिन्होंने नॉर्थ पोल तक का सफ़र तय किया। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, आपको उसको अपनी फेयर कॉपी में आफ्टर वर्ड्स मीनिंग करने हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।